ചിത്തം മുടക്കും വരും സിക്കാപ്പതും സമാധിയാമി ചുറാമേരി മജ്ജിപ്പും മുടക്കും വരും आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है। आज की यह प्रस्तुति, यह पेशकश एक साझा प्रस्तुति है अंबेडकर नामा और टीम 22। एक हमारा प्रोग्राम भी है खास मुलाकात, जिसमें हम आपको तमाम वैसे लोगों से मिलवाते हैं जो अपने जीवन के तमाम बाधाओं के बावजूद अपने जीवन में सफल हुए हैं और उन्होंने एक माइलस्टोन सेट किया है। सो इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं टीम 22 के फाउंडर सुधीर राज सिंह, और इनसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर नामा और टीम 22 की जो मुहिम है वह एक ही तरह की मुहिम है। मैं अंबेडकर साहब की राइटिंग्स पढ़ रहा हूं, उनकी स्पीचेस पढ़ रहा हूं और आपको वीडियो साझा कर रहा हूं। सुधीर राज जी वो धम्म के विशेषज्ञ हैं कि बौद्ध धम्म के बारे में वो किताबें पढ़ते हैं और खूब पढ़ते हैं और उसको पढ़ पढ़ कर धम्म पे चर्चा करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इसलिए आप सबसे पहले आग्रह है कि हमारे भी साथी जो देख रहे हैं, एक ही ध्येय हम लोग का है, एक ही एजेंडा है कि लोगों को जागरूक करना, शिक्षित करना, रेफरेंस के साथ, प्रमाण के साथ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं। तो इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप दोनों चैनल टीम 22 और अंबेडकर नामा को सब्सक्राइब कीजिए, ब्लू बेल दबाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए, देखिए, बच्चों को सुनाइए, क्योंकि यह टीम 22 और अंबेडकर नामा एक मुहिम है और मुहिम का आप हिस्सा बने, साझेदार बने। तो हमारे साथ सुधीर राज सिंह हैं। स्वागत है सुधीर जी आपका। आपका भी स्वागत है और मैं सभी अपने जितने भी टीम 22 के चाहने वाले हैं और जो धम्म सीख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर अंबेडकर को सीखने के लिए अंबेडकर नामा देखें, अपने प्रश्न उसमें पूछते रहें। प्रश्न पूछने से बड़ा फायदा यह होता है कि जो पढ़ता है, स्टडी करता है, रिसर्च करता है, उसको एक क्लू मिलता है, एक उसको सिग्नल मिलता है कि अभी हमारे जो लोग हैं उनको क्या क्या बताना है। और टीम 22 पे तो आप प्रश्न पूछते ही रहते हैं, जिससे मैं नई तरह की वीडियो, नए नए विषय लेके आता हूं। अब आगे से टीम 22 और अंबेडकर नामा को आप एक ही चैनल माने, क्योंकि दोनों ही बाबा साहब के राइट और लेफ्ट हैंड है। एक भगवान बुद्ध और उनका धम्म है और दूसरे अंबेडकर साहब की जो स्पीचेज हैं, जो राइटिंग्स हैं, वो हैं। दोनों ही अपने आप में कंप्लीट हैं और दोनों ही जो मुहिम है वो एक ही है। शुक्रिया सुधीर जी। और मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूं, आपका व्यवसायिक जीवन काफी इंगेज रहते हैं, काम करना होता है। मेरा तो चलिए, मैं शिक्षक हूं तो मेरा काम ही पढ़ाना है, तो मैं पढ़ता भी रहता हूं, लिखता भी रहता हूं, तो क्लास लेने के बाद जो समय बचता है ये सब करता हूं। लेकिन आपका व्यवसायिक जीवन बहुत बिजी है, आपके जहन में ये टीम 22 का ख्याल कैसे आया? दरअसल जो ये ख्याल है ये बड़े कमाल के होते हैं, क्योंकि जब आवश्यकता होती है तो ख्याल अपने आप आ जाते हैं। मैं तीसरी पीढ़ी का धम्म का बताने वाला अपने घर में हूं, तो डॉक्टर साहब हुआ क्या कि जो भिक्कू हमारे यहाँ आते थे, क्योंकि मेरे फादर बहुत धम्म पढ़ा करते थे, बाबा साहब की जो किताब है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, वो उनको रटी हुई थी, मगर मैं जब उनसे प्रश्न पूछता था तो अधिकतर तो वो मुझे आंसर करते थे कि ये जो चीज है ऐसे ऐसे, मगर फिर भी वो कुछ बातें नहीं बता पाते थे, क्योंकि जो मेडिटेशन या जो साधना, जो प्रैक्टिस भगवान बुद्ध ने की है उसकी कुछ कीवर्ड हैं और वो बहुत पुराने हैं, वो पुरानी जानकारी उनको थी नहीं, तो वो कुछ अनुमान लगाते थे, कुछ फिट बैठते थे, कुछ नहीं बैठते थे। तो मैं भिक्कुओं से पूछता था, भिक्कू तो हमारे फादर से खुद ही पूछा कर करते थे, मतलब अच्छा। तो जानकारी बड़ी अधूरी थी। तो मैंने देखा कि बुद्धं शरणं गच्छामि बता दिया, इसका अर्थ नहीं बताया, अर्थ पूछा भी तो कह दिया कि जो किसी ने हिंदी में लिखा है साधारण सा, वो बता दिया, बस बात खत्म हो गई। या पाणाती पाता वेरमणि है, तो किसी ने कहा कि भाई आपने हत्या नहीं करनी है, बात खत्म हो गई, तो मजा नहीं आया। फिर मैंने आगे इसकी जो प्रैक्टिस है, जो भारत में प्रैक्टिस चल रही है धम्म की, किसी ने कहा कि वहां प्रैक्टिस में जाना है, मैं वहां गया 2003 में, तो मैंने देखा कि कुछ वर्ड्स मुझे वहां से मिले। फिर मैंने देखा कि हमारे जो मंच पे लोग हैं और जो धम्म को पढ़ा रहे हैं और जो बोल रहे हैं, वो ना वहीं रुके पड़े 70 साल पुराने, जहां बाबा साहब ने छोड़ा था।
मतलब बात आगे बढ़ी नहीं, और कुछ लोगों ने नई जानकारी का विरोध भी किया, मतलब जानकारी लेने की बजाय वो उसके विरोध में उतर आए ताकि जानकारी ना लेनी पड़े। तो मैंने जो हमारे जो मीडिया के लोग हैं उनसे निवेदन किया कि भाई मैं अपने लोगों को कुछ धम्म के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे भारत का धम्म है, हमारे अशोक का धम्म है, हमारा धम्म है, तो आप मेरी मदद करो। तो आपका मीडिया चलता है, आपका चैनल चलता है, आप मेरी हफ्ते में एक वीडियो लगा लो। तो उन्होंने कहा जी कि हमको पैसा चाहिए। तो मैंने, क्योंकि मैं बहुत कम पैसे वाला गुजारा करता हूं, तो मैंने कहा मेरे पास थोड़ा पैसा है, मैं आपको दे दूंगा। तो बोले जी थोड़े में तो हमारा गुजारा चलेगा नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप एक काम करो कि महीने का एक साथ रिकॉर्ड कर लो और थोड़ा ज्यादा ले लो। उनका उसमें बात बनी नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा कोट अनकोट बहुजन मीडिया, ये हमारा जो मीडिया है ना, जो ये कहता है कि हम अम्बेडकर को और बुद्ध को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो दरअसल जब तक आप उनको फीस नहीं दोगे वो आपको सुनेंगे नहीं, चाहे आप भाई हम लोग का चैनल एकदम निःशुल्क है, यहाँ कोई फीस नहीं मांगा जाता है। नहीं, वैसे उनका खर्चा वर्चा भी होता है, उनको चाहिए भी, मगर कहीं कहीं नहीं भी, स्वेच्छा से भी हो सकता है। धम का मामला था, धम के लोगों से पैसा मांग लेते तो वो दे देते, क्योंकि मेरे चैनल पे भी बहुत लोग कहते हैं कि हम आपको पैसा देना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मैं फ्री रहेगी सर्विस और मेरे में दम होगा तो मैं कर लूंगा, मैं पैसे नहीं मांगूंगा आपसे, आप चिंता ना करो, इसमें सब फ्री है, कोई ज्यादा पैसा वैसा खर्च नहीं होगा। तो फिर लेकिन प्रोफेशनल बनाने के लिए हाँ उसमें खर्च होते हैं, जैसे हमारे साथ वसीम काम कर रहे हैं तो उनको हम सैलरी देंगे ना, अकेले सब काम तो नहीं कर सकते, खर्च होगा। मेरे पास कैमरा नहीं है, लाइटिंग का ठीक व्यवस्था नहीं है, माइक नहीं है, तो हम जो काम कर रहे हैं आप कर रहे हैं तो समाज के लिए अगर काम कर रहे हैं, ये सामाजिक दायित्व है हमारा, तो अगर समाज कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो उसमें क्या परेशानी है। नहीं, थोड़ा सा क्या था, मैंने इसलिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, किसी पैसे के लिए नहीं कहा, क्योंकि लोगों को मैं धम सिखाना चाहता हूं, लोग इस बात में आ जाते हैं कि देखो ये तो पैसा इकट्ठा करने लगा, क्योंकि सारे चैनल ये कहते हैं हमारा चैनल खतरे में है, हमको पैसा दो, वरना वो तो हम लोग भी अपने वीडियोस में नहीं डालते हैं कि ये अकाउंट नंबर है, चंदा दो। लेकिन मैं समझता हूं अगर कोई हमारे दोस्त अगर आए बोले कि चलिए हम आपके लिए कैमरा लाते हैं, कुछ करते हैं, तो मैं क्यों मना करूंगा। वो तो नहीं, नहीं, आप उनको अगर आवश्यकता, जैसे अगर मैं भी अगर बड़ा स्टूडियो बनाना चाहूं तो बड़ा स्टूडियो बनाने में 10-20 लाख का खर्चा आता है, अगर किराए का लेंगे तो 50,000 का अलग से किराया होता है, फिर इक्विपमेंट पुराने हो जाते हैं, वो तो जितना बड़ा इंडस्ट्री आप बनाओगे उतना बड़ा खर्चा आएगा। मगर चूंकि मैंने ये इंडिविजुअली बनाया था और मेरी सोच ये थी कि मैं जितना जो कर सकता हूं करूंगा, तब तक ऐसा नहीं था कि स्टूडियो या ऐसा बड़ा करेंगे या ये बड़ा होने की उम्मीद में रहेगा। तो वहां उन लोगों ने मुझे बड़ा कॉपरेट किया इस बात के लिए कि मैं अपना बनाऊं, क्योंकि उन्होंने पब्लिश नहीं किया तो फिर मैंने बना दिया। मगर इसमें एक अपवाद है, जो आवाज इंडिया टीवी है नागपुर से जो चलता है, उन लोगों ने जब भी मैंने वीडियो उनको भेजी उन्होंने मांगी भी और वो लगाते भी हैं और वहां वीडियो बहुत चलती भी है और उन्होंने कभी पैसा नहीं मांगा। मतलब ऐसे भी अच्छे चैनल हैं जो आपकी वीडियो को या आप धम की जानकारी को या अम्बेडकर की जानकारी को आगे पहुंचाना चाहते हैं और उनको पैसे की दरकार नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि मोबाइल उठा के और रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, यूट्यूब तो फ्री है तो बना देते हैं, बस लोगों को पसंद आने लगा और टीम 22 इसका नाम रख दिया, क्योंकि नाम हम रखना चाहते थे थोड़ा ऐसा जो थोड़ा लोगों की जबान पे आसानी से आ जाए, तो टीम 22 हालांकि इंग्लिश नाम है, तो लोगों ने पूछा कि टीम 22 क्यों रखते हैं, आपने तो पूछा नहीं, तो आएंगे आगे। हाँ, तो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो 22 है ना, 22 नंबर वो बाबा साहब ने बहुत अच्छा दिया है, उनकी जो सारी समीशन है लास्ट में जितना भी उन्होंने राइटिंग और स्पीच दी है वो लास्ट में आके 22 नंबर पर रुके हैं, और ये जो 22 जो चिल्लाते ना लोग उसी की टीम बनाई हमने, 22 प्रतिज्ञा वाली। हाँ। वैसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने अंबेडकर नामा का कैसे सोचा? देखिए ऐसा है, मैं तो एक्टिविस्ट रहा हूँ, पढ़ाने के अलावा आप देश भर में हम जाते आते रहे, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारे जो कोट अनकोट बहुजन मीडिया कहते हैं वो वीडियोस लगाते थे हमारे, तो मैंने कई लोगों से कहा भी कि हफ्ते में आप आधा घंटा प्राइम टाइम मुझे दे दो, मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन किसी ने पता नहीं क्यों उसको संज्ञान नहीं लिया। इसको चालू करने के लिए दो इमीडिएट कारण है, ये तो एक लंबा कारण है, कई सालों से मैं कह रहा था कि मैं प्राइम टाइम करूंगा एक तुम्हारे हफ्ते में तुम्हारे टीवी चैनल पे। आपने जो हमारे जो अंबेडकर समाज के या बुद्ध के या जो ज्योतिबा फुले के जो बहुजन समाज के चैनल है उन लोगों से कहा? हाँ, उन्हीं से कहा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, रिस्पॉन्ड नहीं किया ठीक से। तो जब लॉकडाउन लगा तो उस समय एक और घटना घटी, जैसे अभी रंग का उत्सव गया, मैं होली नहीं करता, रंग का उत्सव गया, मैं रंग खेलता हूं, उसमें कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है,
तो उस समय मेरा एक रंग लगा हुआ फोटो वायरल हुआ, मुझे लगता है करोड़ों जगह व्हाट्सएप पिछले साल हुआ था ना वो, पिछले साल कई सालों से हुआ, लोगों ने उसमें बड़ा क्या बोलते कमेंट किया था कि देखो मनोवादी हो गए और ये हो गए। तो जब गणपति उत्सव में अम्बेडकर जाके भाषण देते थे तो ये अम्बेडकरवादी, अगर आज अम्बेडकर होते तो ये अम्बेडकरवादी अम्बेडकर को ही मनुवादी कह देते। हर चीज पे मनुवाद हो जाता है, हर चीज पे। जैसे दलितों का कोई उत्सव नहीं रहा है, उनका कोई डांस नहीं रहा है, उनका म्यूजिक नहीं रही है, कोई भाषा नहीं, इनके इनका माने तो सब कुछ ब्राह्मण का ही है। तो ब्राह्मण आप ही ने कहा था कि आक्रांता थे बाहर से आए तो तलवार लेके आएगा, आक्रमणकारी तो तलवार ले घोड़े पे आएगा, त्योहार लेके थोड़ी आएगा। त्योहार मैं तो इसलिए मैं तो मुहिम चला रहा हूँ आदिवासियों में, पिछड़ों में, दलितों में, कि अपने अपने कुल देवता और अपने अपने त्योहारों की घर वापसी कराओ, घर वापसी कराओ अपने अपने त्योहार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपने अपने कुल, हर घर में कुल देवता होता था ना, कुल माता, कुल कुल माता, ठीक। तो वो सब कुछ को आप मनुवादी कह देंगे तो आपके पास रहने के लिए बचेगा क्या? आपके पूर्वज नंगे घूम रहे थे क्या? झाल बजा रहे थे, घास काट रहे थे, क्या कर रहे थे? जबकि आपकी सभ्यता पुरानी और पुरानी है, वहाँ आपकी सारी चीजें मिली हैं। डांसिंग गर्ल मिला है हड़प्पा में और आपका गुरु भी मिला है वहाँ पे। तो ये लोग बहुत हमको ट्रोल करने की कोशिश, लेकिन मैं ट्रोल वोल होता नहीं, ऐसे ऐसे कितने आया। हमने तो सुना है कि आप ट्रोल में एंजॉय करते हैं, मजा करते हैं उसमें, बीच में मैं भी छेड़ देता हूँ। इस साल भी मैंने फोटो डाल दिया, लेटेस्ट है। वैसे आपको बता दूं कि भारत के लोग सबसे ज्यादा रंगीन है, तो आपके फोटो पे कैसे रंगीली नहीं, उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। तो मैं जो करता हूँ सीधा बोल देता हूँ, ब्राह्मणवादी तरीके से शादी होती तो मैं जाता हूँ, उनके यहाँ खाना खाता हूँ, चुमाऊ भी देता हूँ। नहीं नहीं जाना चाहिए, और वो मेरे लिए सामाजिक मेल जोल का जगह है। मैं मंदिर भी घूमने जाता हूँ, देखने जाता हूँ, सुंदर जगह है, मस्जिद भी जाता हूँ, गिरजा भी जाता हूँ। अभी ईद आ रहा है, टोपी लगा के फोटो डालूंगा लेटेस्ट वाला अभी। तो ये सब मेरा चलता रहता है, जिनको परेशान होना है होते। तो एक चुनौती ये थी, ये मनुवादी है, अम्बेडकरवादी है। बड़े पढ़े लिखे लोगों से मैंने पूछा कि अम्बेडकरवाद क्या है, तो उन्होंने कहा 22 प्रतिज्ञा है। तो मैंने कहा 40 साल घास काट रहे थे अम्बेडकर, बाकी जो इतना लिखे मोटा मोटा, तो 22 प्रतिज्ञा अगर अम्बेडकरवाद है आपने ले लिया है, तो फिर नौकरी छोड़ो, सर मुड़वाओ और चोला पहन के जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार। किसी ने आपको 22 प्रतिज्ञाएं उल्टी बता दी है, उसमें बात करेंगे, उसमें अलग एपिसोड करेंगे आपसे, अलग उसमें उल्टी हो पूरी तरह से उल्टी। एक चुनौती ये थी, दूसरा लॉकडाउन। अब मैं बोलने वाला आदमी हूं, मैं चुप नहीं बैठ सकता, तो मैं इसी बैठा था, तो मुझे कुछ टेक्नोलॉजी आता नहीं है, मेरे पास मोबाइल बहुत ही पुराना तरह का था। मैंने ईशान को कहा यूट्यूब इस पे चल सकता है, बोला हाँ चल जाएगा। अकाउंट खोला मैंने, 21 अप्रैल पिछले साल 2020 को एक ट्रेलर डाला कि मैं अम्बेडकर नामा शुरू करने जा रहा हूं, और बहुत दिलचस्प था, उसे बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया सब है। तो कहते ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आप मेरे लिए अगर कष्ट क्रिएट करेंगे ना तो मैं उसी में से अवसर निकाल लेता। तो मैंने कहा कि अच्छा अम्बेडकरवाद क्या है ना, अब तुम लोगों हम पढ़ाते ही हैं, ठहर जाओ। अच्छा किया आपने, सारे वॉल्यूम्स निकाले, तो उन लोगों का, उन लोगों का धन्यवाद करें जिन लोगों ने आपको पिच किया। उनका शुक्रिया है, मैंने अपनी किताब लिखी है, हर किताब में देखिएगा अंतिम में अपने शत्रुओं का धन्यवाद करता हूँ कि बिकॉज ऑफ यू आई हैव री इन्वेंटेड माई सेल्फ अगेन। ये अच्छा किया, बल्कि ऐसे ही अगर आलोचक होते जाए लोग और भी तैयार हो जाए। अभी 400 से ज्यादा एपिसोड में कर चुका, बहुत बढ़िया शानदार, 7-8 महीना में, 5 महीना घर रेनोवेट करा रहा था। तो मैंने इनकी गालियों को मैंने अवसर में तब्दील कर लिया, वही का चूरन छाप किताब पढ़ रहे हैं अभी, और मैं ओरिजिनल राइटिंग, वो 70 साल पुराने ठहरे हुए हैं। नहीं नहीं, चूरन छाप किताब पढ़ रहे हैं, मैं ओरिजिनल राइटिंग पढ़ रहा हूँ मैडम। तो इन चुनौतियों को हमने अवसर में तब्दील किया, और आज उसमें से कई लोग पढ़े लिखे लोग बोलने से घबराते हैं, पढ़ा नहीं है, खाली अम्बेडकरवाद अम्बेडकरवाद। मैं नहीं हूं अम्बेडकरवादी, मैंने कहा दावा किया कि मैं अम्बेडकरवादी हूं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई एम ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन, और हिस्टोरियन के तरीके से मैं अपनी बात रखता हूँ। कई लोग बोलते हैं अंबेडकर मत बोलिए, परम पूजनीय बाबा साहब, बोलिए इतिहास में कैसे इतिहास लेकर होता है तुमको पता ही नहीं है, किताब इतिहास में थोड़ी लिखा जाता है। दरअसल क्या है जो, क्योंकि मुझे भी कई बार लोग कहते हैं कि आपने कहीं आप डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, कहीं खाली अंबेडकर लिखते हैं टाइटल में, तो मैं उनको कहता हूं कि भाई देखो जिसको अंबेडकर देख के दर्द हुआ ना, वो ये मान ले मेरी तरफ से सर्टिफिकेट है कि वो भक्त हो गया है, वो अनुयायी नहीं रहा, अनुयायी नहीं भक्त है, भक्त हो गया है, क्योंकि भक्त तो हर जगह है, तो डॉक्टर अम्बेडकर के भी भक्त हैं और बुद्ध के भक्त इससे भी ज्यादा हैं। बुद्ध के बारे में वो जो बातें करते हैं तो भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके ये पता ही नहीं कि वो बुद्ध की अनुयायी हैं या बुद्ध के भक्त हैं या वो कहीं और के हैं, उनको ये पता नहीं चल पाता। तो ये चुनौतियां थी, और इतिहास लेखन और उसमें शोध अलग तरीके से होता है। जब किसी व्यक्ति के आगे पीछे महाकारुणिक परम पूज्य बोधिसत्व विश्व पुरुष लगा देंगे, तो इसका मतलब आपका रिसर्च क्या है वो लोगों को पहले ही पता लग गया, टाइटल बिल्कुल पहले पता चल गया। तो हम लोग लिखते हैं गांधी, जिन्ना, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे ऐसे चलता है।
तो हम भक्ति चैनल नहीं है, सॉरी साथियों जो साथी देख रहे हैं, टीम 22 और अंबेडकर नामा भक्ति चैनल नहीं है। इसके लिए टेलीविजन पे बहुत सारे चैनल है, आप देख सकते हैं। जिनको साइंटिफिक सोच, तार्किकता, राजनीति में विश्वास हो वो लोग जरूर देखें और गंभीरता से देखें, क्योंकि यहाँ काम की बात होती है, यहाँ मन की बात नहीं होती है। नहीं, वैसे मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भक्त है वो भी दोनों चैनल जरूर देखें, क्योंकि आपकी भक्ति से हमारे चैनल का अगर नंबर बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में ये जाएगा कि देखो कितने सारे अंबेडकर आई और कितने सारे आपकी गिनती तो बढ़ेगी ना, तो उसका भी शुक्रिया। तो कंडीशन अप्लाई, शर्त ये है कि ध्यान रखें कि ये चैनल देखने से आपकी तबीयत खराब ना हो, इसका ध्यान रखें। तो ये था पूरा दास्तान, और अब तो मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ, रोज पढ़ रहा हूँ, 3-4 वीडियोस डाल रहा हूँ पेज नंबर के साथ। बहुत शानदार, जबरदस्त, और उम्मीद है कि आप देखते होंगे अंबेडकर नामा कभी। बिल्कुल बिल्कुल, रोज तो मुश्किल है सब वीडियोस देखना, लेकिन काफी साथी देख रहे हैं और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। टीम 22 को भी साथी देख रहे हैं। आज से यह मुहिम हम लोग चला रहे हैं कि अंबेडकर नामा और टीम 22 एक ही मुहिम के दो चैनल है। कोई भी लाइक माइंडेड साथी अगर इस तरह का काम कर रहा हो, रिसर्च बेस्ड, मुझे लगता है कि आप जो बोलते होंगे तो रेफरेंस के साथ बोलते होंगे, पूरा रिसर्च रहता है, तो रिसर्च रहता है। बल्कि मैं तो उसमें एक एक शब्द का अर्थ बताता हूं और लोगों को इन्वाइट करता हूं कि अगर आप इसका दूसरा अर्थ बता सकते हैं तो बताइए, फिर मेरे लिए काम मिलेगा। हम तो आपसे इसमें लगातार एपिसोड करेंगे अपने साझा पेशकश में, इस शब्दों के उत्पत्ति के बारे में। कमाल की चीज है, हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 16 वॉल्यूम दिया है, हाँ, आपने देखा वो पाली भाषा का है। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई दुनिया का छठे नंबर का विद्वान मानते हैं हमारे सब लोग कि बाबा साहब अम्बेडकर छठे नंबर के विद्वान रहे पूरी दुनिया में, और है भी, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इतने सारे सब्जेक्ट कवर करता है। खाली वही बात नहीं, आंदोलन भी करते, आंदोलन भी है, राजनीति भी है, समाज भी है, और फिर बीमार भी है उसके बाद भी। तो छठे नंबर का मतलब हम तो कहेंगे कि वो छठे नंबर से भी कहीं ऊपर रहे होंगे, पहले दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे बुद्ध को मानते हैं। तो वो व्यक्ति आपको अपनी राइटिंग्स में पाली भाषा का डिक्शनरी क्यों देके जाएगा, एक छोटा सा सवाल है। ये सवाल मेरे जहन में तब आया जब मैं बड़ा परेशान हो गया कि कुछ शब्दों के अर्थ ना हमें वही घूम घूम के वही मिलते हैं, हम उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, इसका मीनिंग फिट नहीं बैठ रहा है। तो मुझे लगा कि कहीं कुछ मामला और है। तो ये जो डिक्शनरी है, मेरे दिमाग में ये बात आई कि बाबा साहब अम्बेडकर पाली क्यों कहेंगे पढ़ने के लिए, पाली पढ़ेगा भिक्कू, पाली पढ़ेगा कोई बौद्ध धर्म का, क्या बोलते हैं वो, बहुत भिक्कू संघ में भाषा में बहुत डांटे हैं लोगों, हाँ, जो भक्त होगा भक्त पढ़ेगा। भाई आप इंग्लिश पे जोर दे रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, बाबा साहब तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, और मराठी वो खुद है, और हिंदी के क्षेत्र में उन्होंने कार्य भी किया है, पाली कहां से आ गई। तब मुझे लगा कि वो कुछ इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर सच्चा इतिहास जानना है, अपनी की जान जानना है, या आपको देखना है कि आपकी चीजें क्या है, तो आपको पुराने शब्द यहां मिलेंगे, पुराने शब्दों में आपकी सारी चीजें छुपी हुई हैं। तो मैंने जैसे जैसे शब्द उठाने शुरू किए, कमाल की बात यह है कि सब शीशे की तरह साफ होता चला गया, शानदार, मतलब इतना साफ हो गया कि अब मुझे साफ दिखाई देता है। जैसे आपका नाम है रतन लाल, अब ये जो लाल शब्द है ये लाल नहीं है, बेसिकली ये गुजरात के अंदर लाल है, ये आपने सुना ये सोडस होता है, ले और ले मिल गए, मराठी में बहुत चलता है, तो ये लाल है, और लाल को गुजराती में लाट बना दिया है, और लाट जो बोलते हैं वो एक जगह का नाम है, और वहां का राजकुमार है, वो पूरी सल्तनत रही है। तो आप जो है वहां के राजाओं के या वहां के मूल निवासियों से संबंधित है, यानी अगर लाल लिखते हैं, और चूंकि आप बिहार से हैं तो बिहार में 3 रत्न बहुत चलते थे, और रत्न ही बोला करते थे, रत्न तो संस्कारित है, रत्न ही चलता था, तो रत्न आप बुद्ध के हैं, या तो आप धम्म रत्न हैं, या आप संघ रत्न हैं, और या आप बुद्ध रत्न हैं, तो तीनों में से एक रत्न है, तो रत्न वहां से बड़ा फेमस है, और लाड़ जो बोलते हैं इसको लाट बना दिया, लाट साफ बना दिया, तो कितना ऊंचा बुद्ध का नाम है, जो आपका बुद्ध की फिलोसफी के हिसाब से बनता है। तो हमारे पुराने नाम सारे के सारे आपको कहेगा अरे यार क्या नाम है लाल, अरे लाल का इतिहास तो देखो कि लाल जो आता है वो सेंसाओं का नाम है, वहां से लाल बन के आया है, और रतन तो देखो ज्वेल है, क्या बात है, शुक्रिया। हाँ, और आपको लगता है कि क्या होता है गांव का नाम नाम रखा, तो मैंने सारे नाम देखे। आपने हेतराम नाम सुना होगा, हेतराम नाम हमारे लोगों का बहुत होता है, भाई हेतराम नाम का क्या मतलब हो सकता है, और ये किसी मूल निवासी के अलावा किसी और का होता नहीं। तो मैंने देखा कि भगवान बुद्ध तो हेतुवाद बोल रहे हैं, और राम का मतलब होता है जो वहां साधना करता है, रमण करता है, जो रमता है, और ये तो हमारा पाली का सबसे ऊंचा नाम है, जो कारण खोजने वाला अभ्यास कर रहा है वो हेतराम है। तो लोग हमारे इतने ऊंचे ऊंचे नाम रख के बैठे हुए हैं,
पता ही नहीं, पता ही नहीं। तो बाबा साहब का मुझे सारा समझ में आया, अरे बाबा साहब कह रहे हैं भाई असली की तो ये है, लोग सोच रहे हैं राजनीति की है, असली की तो ये है। ज्ञान से ही पूरा खेल होता है, सारी चाबी वहां से आती है, भाषा का जो है ना पूरा भाषा का ही खेल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मैं तो हैरान रह गया कि हमारे लोग क्या बोलते कर क्या रहे हैं। अरे छोटी सी तो किताब है, छह महीने में आ जाती है, वो ज्यादा बड़ी है भी नहीं, छह महीने में आदमी मास्टर हो जाता है। सारा तो पाली हम बोलते हैं, वो जो हिंदी है वही पाली है, जो मराठी है वही। अभी मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं निश्चित रूप से पढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले पाली डिक्शनरी और शब्दों की उत्पत्ति के बारे में मैं चाहूंगा कि महीना में दो चार वीडियो हम लोग साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें वर्ड्स के जेनेसिस का क्या है, कहाँ से आया है, ये लोगों को बताएं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, लोग पढ़े नहीं है बहुत ज्यादा, तो कंफ्यूजन दूर भी करना है। तो साथियों, सुधीर राज जी टीम 22 चला रहे हैं और आज आप इस एपिसोड में ये जान पाए होंगे कि हम लोगों ने किन परिस्थितियों में अंबेडकर नामा शुरू किया या टीम 22 शुरू हुई। हम लोगों ने पहले कोशिश की कि जो बहुजन चैनल है उनको माध्यम बनाकर वही बात रखी जाए, लेकिन कोई सकारात्मक जब वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिला तब हम लोगों ने आपदा को अवसर बनाया और टीम 22 भी शुरू हुआ और अंबेडकर नामा भी शुरू हुआ। तो बहुत सारे सवाल जवाब आपके साथ होंगे और सुधीर भाई को हमने रिक्वेस्ट किया है कि महीने में दो तीन दिन निकालिए, हम लोग साझा बातचीत करेंगे, यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, तो और सारी बातें होंगी। आज इंट्रोडक्शन है, आज हम लोग साझा प्रस्तुति का इंट्रोडक्शन है। तो शुक्रिया साथियों, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग टीम 22 अंबेडकर नामा बोथ, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, घर घर जन जन तक पहुंचाइए और आपसे कोई फीस नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट रेफरेंस के साथ मौलिक बात काम की बात आप तक जा रही है। शुक्रिया साथियों, जय भीम, फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद, नमस्कार।